क्या गाइस, आप लोगों के फोन में बीटा रजिस्ट्रेशन के थ्रू बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इंस्टॉल हुआ? अगर नहीं हुआ तो गाइस, आज के वीडियो में आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक गाइड बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप लोग अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप लोग सारे गेम प्ले को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ, आप लोग को उस मेथड को फॉलो करना। आपको बस एंड्रॉइड की कोई सी भी डिवाइस हो, रियलमी हो, वन प्लस हो, शाओमी हो, गाइस मैं आप लोगों को सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ। एंड्रॉइड डिवाइस की कोई सी भी डिवाइस आपके पास हो, चाहे आपके पास एंड्रॉइड 10 हो या एंड्रॉइड 11 हो। एंड्रॉइड 9 में दोस्तों मैंने चेक नहीं किया, अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 9 है, अगर आपके एंड्रॉइड 9 में काम करता है दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पर दोस्तों, अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 10 है या एंड्रॉइड 11 है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से चेकआउट करिए। और अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 11 है गाइज, तो उसके लिए आप लोगों को लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। गाइज, बैटल मोबाइल ग्राउंड इंडिया को अपने फोन में इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों के पास दो मेथड है। एक है आप लोगों को एपीके और ओबीपी अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसी गेम प्ले को आप लोग अपने फोन में खेल सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, आपको टैपटॉप एप्लीकेशन में से भी अपने फोन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों स्टेप बताऊंगा। तो पहले मैं आपको टैपटॉप एप्लीकेशन यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को कहीं से भी अपने फोन में टैपटॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन करके वहां से टैपटॉप एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप लोग सर्च करना, सर्च करते आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड करना। तो एक मेथड दोस्तों आपको ये देखने को मिलता है। दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं, तो वो है डाउनलोड एबीबी वाला मेथड है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को दो फाइल डाउनलोड करना होगा, एपीके फाइल डाउनलोड करना होगा और एक ओबीबी फाइल आपको डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को एपीबी को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अपने मी 11X में। गाइस, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपका फोन में एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट मिलता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एंड्रॉइड 11 में जो है हमें ओबीबी एक्सेस करने की सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो सिंपली आप लोगों को जो दो एपीके मैंने दिया है, तो ये दो फाइल्स सबको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको बैटल ग्राउंड जो एपीके वाली फाइल है 1.4 की, उसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है, इस गेम को आप ओपन भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है, मतलब इंस्टॉल हो चुका है। मैं एक बार ओपन करके यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं फिर से जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर में। अगर मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ, तो हम लोग को जो ओबीबी फाइल दोस्तों देखने को मिलता है, वाली जो ओबीबी फाइल है, इसे हम लोगों को अपने ओबीबी फाइल में पेस्ट करना है। तो अगर मैं आपको एंड्रॉइड में लेकर दिखाता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं हमें ओबीबी फाइल अपनी यहाँ पे एक्सेस करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे फोन में एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट मिलता है। एंड्रॉइड 11 की वजह से हमें जो हमारी जो डिफॉल्ट फाइल मैनेजर है, वहाँ पर उसकी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए आप लोग कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी फाइल मैनेजर आप अपने फोन में यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ईएस फाइल एक्सेस को यूज कर रहा हूँ। आप लोग कोई से भी थर्ड पार्टी को अपने प्ले स्टोर से या फिर एपीके के थ्रू अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और सिंपली आप लोगों को उस ओबीबी फाइल जो देखने को मिलता है, आप लोगों को उसे कॉपी कर लेना या फिर कट करके आप लोगों को जो ओबीबी वाले सेक्शन देखने को मिलता है वहां पर चले जाना है। एंड्रॉइड में जाना है, ओबीबी में जाना है और हम लोग com.pubg.im देखने को मिलता है। सिंपली इस पर टैप करना और हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हैं हमारे फोन में पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग इस गेम को पबजी मोबाइल को जब हम लोग ओपन करेंगे, कहां गया तो यहाँ देखने को मिल जाता है। जब हम लोग इसे ओपन करेंगे गाइस, तो हमारे फोन में पबजी मोबाइल अब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और उसकी जो भी रिसोर्सेस फाइल्स वगैरह है हमारे फोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो परमिशन वगैरह सभी दे देना है, तो मैंने यहाँ परमिशन दे दिया। देख सकते हैं सारे काम हमारे फोन में स्टार्ट हो चुका है। आपको चेकिंग फॉर अपडेट्स, जो रिसोर्सेज आपकी है यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और आपकी जो ग्लोबल वाली यानी जो आपकी पुरानी वाली आई डी है, आप लोग उसकी भी डाटा आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी जो पुरानी डाटा है वो भी आपके यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। आप लोग अपने पुराने वाले आईडी से लॉगिन करेंगे, तो आपकी जो पुरानी डाटा है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी सब कमेंट में जरूर बताइएगा तो और क्या क्या आप लोगों को पुराने गेम्स आपको यहाँ पर रिटर्न मनी वापस आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये छोटी सी ट्रिक थी, आप लोगों को एक ओबीबी की मदद से अपने फोन में इस गेम को प्ले कर सकते हैं और एक टैपटॉप की मदद से अपने फोन में से डाउनलोड करके अपने फोन में इसे गेम प्ले कर सकते हैं।